कठुआ पुलिस ने एक 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनके द्वारा ट्रक लूटकर उसके सामान को बिक्री किए जाने की घटना को अंजाम दिया गया था। कठुआ इलाके के अंतर्गत पुलिस ने एक ऐसे ग्रोह का पर्दाफाश किया है जिसके 5 सदस्यों ने ट्रक को लूटपाट करते हुए उसमें भरे सामान को बिक्री करने की घटना को अंजाम दिया। एसपी सिटी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूरी जानकारी दी गई। एसपी सिटी ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्त सातिर कृष्ण के अपराधी हैं। लूटपाट की घटनाएं आम बात है इनके लिए, पर इनके द्वारा ट्रक को लूटकर उसमें भरे हुए सामान को बाजार में बेचने की घटना को अंजाम दिया गया था। हालांकि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए लूटा गया सामान और ट्रक दोनों बरामद कर लिए हैं। इस पूरे मामले में ट्रक चालक जो था उसकी स्थिति भी संदिग्ध नजर आई। पुलिस ने ट्रक चालक को भी हिरासत में लिया है। थाना टुंडला के द्वारा, प्रभारी निरीक्षक टुंडला के द्वारा एक बहुत अच्छा कार्य हुआ है और उन्होंने चेकिंग के दौरान एक राजस्थान नंबर का ट्रक था उसको उन्होंने पकड़ा है, RJ 11 GA 3662, जिसमें से कई बदमाशों को इन्होंने पकड़ा। और पूछताछ से पता चला कि आगरा एतमादउल्ला थाना क्षेत्र से ऑयल फैक्ट्री है कोई, जहाँ पे खल बनती है BP ऑयल, वहाँ से इन लोगों ने ट्रक ड्राइवर से साठ गांठ करके 260 बोरी खल, जो कि ग्वालियर में जाना था, किसी और कंपनी को सप्लाई हो रहा था, उसको ले आ करके इन्होंने खेरिया गांव में बेच दिया था। जब इन्होंने केबिन में बैठे हुए बदमाशों से पूछताछ की, 5 बदमाश अरेस्ट हुए हैं ड्राइवर के साथ। उन्होंने बताया कि हमने खेरिया में राजेंद्र के घर पर उतारा है माल, फिर वहाँ पे टीम पहुँची है, पूरा माल 260 बोरी खल बरामद हुआ है, जिसकी कीमत मार्केट में 14 लाख रुपये है। पुलिस के द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है। इसमें राजेंद्र नाम का जो व्यक्ति उसने खल खरीदा है, उसमें पूर्व में भी थाना हाजा पे 25 आर्म सेट का भी पंजीकृत है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पूरी टीम को 2500 रुपया का इनाम घोषित किया गया है और ये एक बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। ट्रक बरामद हुआ है, ट्रक से ही तो बदमाश पकड़े गए। फिर उन्होंने पूछताछ भी बताया कि हमने फलाने गांव में उतारा है, फिर वहां पे जाके खल बरामद हुआ है। कुल कितने अभियुक्त गिरफ्तार हुए? 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, 3 अभी फरार हैं।